आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको WhatsApp की इस प्रॉक्सी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि ये क्या होती है, इसे WhatsApp में क्यों लाया गया और साथ ही आप इसे अपने WhatsApp में यूज कैसे करेंगे, मतलब आप अपने WhatsApp में इस प्रॉक्सी सेटिंग को इनेबल कैसे करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉक्सी सेटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दूंगा और आप भी अपने WhatsApp में प्रॉक्सी सेटिंग को यूज करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर ये प्रॉक्सी सेटिंग होती क्या है। तो बेसिकली दोस्तों WhatsApp की इस प्रॉक्सी सेटिंग का यूज करके आप बिना इंटरनेट के भी यहां पर WhatsApp को चला सकते हो, मतलब आपके WhatsApp में यहाँ पर इंटरनेट नहीं होगा, यहाँ पर कोई सा भी इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप अपने WhatsApp में इस प्रॉक्सी सेटिंग का यूज करके फोटो वीडियो चैटिंग कुछ भी कर सकते हो। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर WhatsApp में इस प्रॉक्सी सेटिंग को लाया ही क्यों गया। तो बेसिकली दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है, मतलब इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद जो यूजर्स होते हैं वो यहाँ पर किसी से भी बात नहीं कर पाते या फिर कभी वो ऐसे प्रोटेस्ट या दंगों में फंस जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्योंकि उस टाइम वहाँ का इंटरनेट ब्लॉक कर दिया जाता है, इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ से वो अपने लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस सेटिंग का यूज करके, यहाँ पर प्रॉक्सी को यूज करके वो अपने लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, फिर चाहे भले ही उस एरिया का इंटरनेट ब्लॉक क्यों ना कर दिया गया हो। तो यही वजह है दोस्तों यहाँ पर WhatsApp में प्रॉक्सी सेटिंग को ऐड करने की। और अब चलिए जानते हैं कि इसे यूज कैसे करेंगे। तो प्रॉक्सी सेटिंग को यूज करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने WhatsApp को ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर WhatsApp की सेटिंग्स ओपन होकर आ जाएंगी और यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने स्टोरेज एंड डाटा की सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पर आपको प्रॉक्सी को ऐड करने का, मतलब इनेबल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉक्सी ऐड करने के लिए दोस्तों सिंपली आप इसे यहाँ पर टैप करेंगे, उसके बाद सेटअप प्रॉक्सी पर टैप करेंगे और यहाँ पर आपको प्रॉक्सी होस्ट नंबर डाल देना है। तो ये आप कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना होगा, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है फ्री प्रॉक्सी इंडिया उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे फ्री प्रॉक्सी, उसके बाद अपनी कंट्री का नाम और यहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम डाल देंगे। जैसे ही आप ये इतना डालोगे उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको आपके रीजन में मौजूद प्रॉक्सीज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए सिंपली आप यहाँ पर टैप करोगे और उसके बाद आप यहाँ से उस प्रॉक्सी को यहाँ पर ऐड कर लोगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे एरिया में यहाँ पर 3 प्रॉक्सीज अवेलेबल हैं। तो यहाँ से सिंपली आप इस आईपी एड्रेस को कॉपी करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जाके यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से उसे पेस्ट करोगे उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर बैक आओगे तो आपके वाले में यहाँ पर प्रॉक्सी सेट हो जाएगी। A few minutes later. तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे वाले में यहाँ प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं हो रही है, मतलब डिसकनेक्ट बता रहा है। मैं यहाँ से गया था, उसके बाद यहाँ पर वो मैंने प्रॉक्सी नंबर सेट किया था, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सिंपली ये ऊपर WhatsApp की यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली यूज अ प्रॉक्सी इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू WhatsApp, योर आईपी एड्रेस मे बी विजिबल टू द प्रॉक्सी प्रोवाइडर विच इज नॉट WhatsApp। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप प्रॉक्सी को यहाँ पर तभी यूज करेंगे जब आप अपने WhatsApp को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके एरिया में इंटरनेट ब्लॉकेज हुआ हो, तो तभी आप यहाँ पर WhatsApp में प्रॉक्सी को ऐड कर पाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके एरिया में इंटरनेट ब्लॉकेज हुआ होता है लेकिन फिर भी आपके वाले में यहाँ पर प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं होती है, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज हैं ये फ्री प्रॉक्सीज हैं। आपको अगर यहाँ पर आपके एरिया में ज़्यादा इंटरनेट ब्लॉकेज होता है तो आपको वहाँ पर कोई पैसे देकर प्रॉक्सी ले लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर फ्री प्रॉक्सी ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कई सारी आपके एड्रेस पर प्रॉक्सीज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अलग अलग प्रॉक्सी को उठाएंगे और अगर आपके इंटरनेट ब्लॉक हुआ होगा आपके एरिया में तो आप उन प्रॉक्सीज को यहाँ पर चेक करेंगे और देखेंगे कि आपका प्रॉक्सी कनेक्ट हो रहा है या नहीं।
तो अगर आपके एरिया में इंटरनेट ब्लॉकेज हुआ होगा तो सिंपली यहाँ पर आपका प्रॉक्सी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में इंटरनेट ब्लॉकेज नहीं हुआ है तो फिर चाहे आप यहाँ पर पैसों से ही लेकर क्यों ना प्रॉक्सी डालें, फिर भी आपका यहाँ पर प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। और आईपी एड्रेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आईपी एड्रेस से ही पुलिस पता लगाती है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जब इंटरनेट ब्लॉकेज नहीं होता है तब प्रॉक्सी यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इससे आप कोई फ्रॉड या कोई गलत चीजें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका आईपी एड्रेस शो होगा नहीं, इसीलिए आपको कोई ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप प्रॉक्सी सेटिंग के बारे में सारी चीजें जान गए होंगे, इसे यहाँ पर कैसे यूज किया जाता है, अगर डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। साथ ही दोस्तों आपके मन में ये भी जानने की चेष्टा होगी कि यहाँ पर आप प्रॉक्सी को कनेक्ट करके और उसके बाद यहाँ पर जो आप चैटिंग करोगे वो ऐसा तो नहीं है जो प्रॉक्सी सर्वर है वो आपकी चैटिंग को मतलब यहाँ पर सेव कर ले आपके अपने डेटाबेस में, तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप ने बताया है कि इसके बाद भी आपकी जो चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती हैं, मतलब उन्हें कोई भी पढ़ नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप व्हाट्सएप की इस प्रॉक्सी सेटिंग को यूज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।